अभी अच्छे लग रही है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप सब अच्छे होंगे। तो और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप सबको पता है, कल गणेश चतुर्थी है और हम लोग अभी जाएंगे मार्केट, गणेश जी को लाएंगे। और तो कल गणेश जी आ रहे हैं सबके घरों में, तो हम गणेश जी लेने जा रहे हैं। तो चलिए आप सबको भी लेके चलते हैं, आइए चलते हैं हम लोग सब लोग मार्केट। तो गाइस, हम लोग मार्केट के लिए घर से निकल आए हैं। हम लोग मार्केट में पहुंच गए हैं और यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं इतनी सारी हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। अभी हम लोग इसमें से पसंद करेंगे, कोई एक पसंद करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक जितना, लेकिन छोटी है जैसे पिछली बार। वहाँ पर इतनी इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, देख रहे हो आप, इतनी बड़ी। यार समझ सही लग रही दिवाली है। आप सबको पता है ना, जैसे जब गणेश जी लेने जाते हैं ना, तो उनकी सूंड को देखते हैं, उनके राइट हैंड में होनी चाहिए, हाथ आगे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपने प्रसाद का लड्डू रख सके। इसमें जैसे कि चूहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर चूहा होना बहुत ज़रूरी है। बट हम लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है यहाँ पर कौन सी नू, इतनी सारी मूर्तियाँ इतनी अच्छी अच्छी हैं। बट अभी चलो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, अभी डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी लेनी है। बट कोई नहीं, हम लोग डिसाइड कर लेंगे, आपको बताते हैं। सही बताओ, सही दोनों एक ही रेट के हैं ये? पीछे वाली ये लास्ट वाली एक कितने? इतनी यहाँ पर मूर्तियों में भी महंगाई। ओ बाबा जी, जी हमारे बाबा जी हैं। बाबा जी का गाना हिट हो गया है। बाबा जी बहुत अच्छा गाना बनाते हैं। 300 रुपए मिल रहा है, डबल रेट हो गया मेरी, सब टैक्स लग गया है। मूर्तियों में भी महंगाई, सब में महंगाई, मूर्तियों में महंगाई। ये देखो, ये वाली अच्छी लग रही है। नहीं है ज्यादा बड़ी, ज्यादा बड़ी है, आपने थोड़ी थोड़ी साइज बढ़ाया जाता है एकदम, तो फिर अगली साल फिर रखना पड़ेगा। पहले आप इससे बड़ी लेके फिर इससे बड़ी ले जाओ, फिर इससे बड़ी ले जाओ, चल रहा है। हर साल बढ़ाना पड़ता है ना साइज, पीछे देख के नीचे। यहाँ पे सब डिसाइड कर रहे हैं कि क्या लें क्या ना लें, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। देखते हैं क्या होता है लास्ट में, यहीं लेते हैं या फिर कहीं और चलते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ मिल जाती है तो ज़्यादा बेटर है, वरना तो फिर कहीं और जाना पड़ेगा हमको। जाओ, हेलमेट हमें दो, साइकिल चलो, बन गया बाबू बैठ जाए। तो हम लोगों ने मूर्ति ले लिए और उनको गाड़ी में बिठा दिया उनको। हम लोग जाएंगे बाइक से, बाइक लेकर आओ यार, बाइक ले आओ, बाइक गणेश जी के लिए हम लोग स्पेशली गाड़ी लेकर आए थे।
ये जा रहे हैं। हम लोग उनके लिए फूल वगैरह ले लेते हैं, तो हम लोग चलते हैं अभी यहाँ पर फूल वगैरह मिलते हैं वहाँ पर फूल वगैरह ले लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग भी सीधा अपने घर। तो गाइस हम लोग सामान लेकर आ गए घर पर, सब कुछ रेडी हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर डेकोरेशन चल रही है, यहाँ पर गुब्बारे फुला रहे हैं ये सब लोग यहाँ पर, और यहाँ पर दीदी देख रहे हो यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड को डेकोरेट कर रहे हैं। तो चलो हम लोग पूरे डेकोरेट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो आइए चलिए। हाँ बाबा, तो बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ कुछ नहीं, टाइम काट रहे हैं। कुछ काम नहीं हो रहा, ये देखो ये बैठी हैं, ये बस इनका कुछ काम ही नहीं है, बस हंस रही हैं, बस इनकी थोड़ा काम कर रही हैं। देखो असली मेहनत तो ये कर रहे हैं, देखो सब सेटअप हो रहा है इनका। ये पसीना निकलते हुए इनका, ये मेहनत का पसीना। अभी इतनी डेकोरेशन हो गई है, अब बैलून लगाने, ये दो बैलून लगाने। तो फाइनली यहाँ पर डेकोरेशन का पूरा काम हो गया है, जितना भी हम लोगों को करना था नाइट में, जो भी बचा हम वो सुबह करेंगे, आपको दिखाएंगे सुबह पूरी डेकोरेशन। अभी केवल इतनी हुई है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े बहुत बैलून लगा दिए अभी, क्योंकि बैलून सारे फूट रहे थे इसलिए मैंने अभी ज़्यादा बैलून नहीं लगाए हैं। पूरा म्यूज़िक भी लग गया है, सब लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। अभी हम लोग सब नीचे जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद सोएंगे, फिर मिलते हैं आपसे सुबह उसी बात पर। गणपति बप्पा। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय। तो हेलो गाइस, सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग आप सभी को, और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। ये वो जगह है जहाँ पे हम लोगों ने रात में पूरे डेकोरेशन वगैरह किया था, ये किया हम लोगों ने डेकोरेशन, देख रहे हो आप। और यहाँ पर हमारे गणपति जी बैठेंगे, पूरी तैयारी हो गई है, यहाँ पर पूजा का सारा सामान आ गया है, और बस हम लोगों को अभी नीचे जाना है, गणपति जी को लेकर आना है। और अभी यहाँ पे झालर वगैरह सब लगी है, बट अभी आपको सुबह का टाइम है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट अभी नाइट में हम पूरी वीडियो बनाएंगे, तो आपका नाइट का व्यू भी दिखाएंगे यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। तो फिर अभी चलते हैं हम लोग नीचे और गणपति जी को लेकर आते हैं, तो आइए चलते हैं। तो हमारे घर में गणपति जी आ गए हैं, तो इनको हम लेकर चलेंगे ऊपर। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो हम लोग ऊपर ले आए हैं।